तो मजा ले रहा हो पानी में? हाँ, यहाँ पर मजा आ रहा है बहुत। लेकिन बाढ़ आ जाएगी तो फिर डर भी रहेगा बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ, मेरे पास यहाँ पर नीम लगी है, वहाँ पर चढ़ जाऊंगा। अच्छा, तो जरा 5 मिनट से चढ़ गए थे ना? हाँ। तो इनको भाई भरोसा है अपनी नीम का, कि नीम के सहारे अपने आप को बचा लेंगे। अभी तो सब खुश नजर आ रहे हैं ना। जय श्रीराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। आज है 16 अगस्त 2022। जैसे ही हम कोचिंग जा रहे थे तभी हमें कुछ बच्चों ने सूचना दी कि सर आज कोचिंग मत लगाइए, क्योंकि बेबस नदी तेज आने से घर के चारों तरफ जहाँ पर कोचिंग लगाते हैं पानी भर आया है। जैसे ये सूचना हमको पता चली हमने ग्रुप में तुरंत मैसेज कर दिया बच्चों को कि आज कोचिंग नहीं लगेगी। लेकिन वास्तव में क्या हुआ है कि हमारे गांव के दोनों तरफ से एक सुनार नदी निकलती है, एक निकलती है बेबस नदी। सुनार नदी तो पहले से आई हुई थी, लेकिन कल बेबस नदी पर बंधा पगरा बांध के कुछ गेट खोल दिए गए हैं, जिससे पानी चारों तरफ भर गया है। चलो तो हम आपको दिखाते हैं वास्तव में वहाँ की स्थिति क्या है, कहाँ तक पानी आ गया है। ये सभी जानकारी हम आपको इस ब्लॉग में देने वाले हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। इसकी संपूर्ण जानकारी लेने के लिए हम खुद वहां पर चलकर जा रहे हैं। तो आज 16 अगस्त 2022 है, समय है, लगता समय है। चलो हम आपको दिखाते हैं वास्तव में नदी का पानी कहां तक आ गया है। चलिए, ये हमारी बाइक और इसी से हम तय करने वाले हैं वहां तक का सफर। ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 4 किलोमीटर है। चलिए चलते। नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, इसलिए सभी अपने वाहनों को, हार्वेस्टर आदियों को अपने घरों से निकाल कर रोड के किनारे करते जा रहे हैं, ताकि यदि बाढ़ की स्थिति बनती तो इनको आसानी से बाहर निकाल सके और मशीन खराब ना हो सके। इसी रास्ते से होकर हम कोचिंग जाते हैं। आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर पानी भर गया। वास्तव में ये 2 लाइन है, यहाँ से चारों तरफ पानी भरने से रास्ता बंद हो गया है। ये दमों के लिए रास्ता जाता है, यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दादा, हार्वेस्टर कहाँ गया? यहाँ जो पहले रखा रहता था। ये पानी आ रहा हो तेज गाय। यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी। कल यहाँ पर जब हम कोचिंग के लिए आए थे तो यहाँ खाली था। सामने जो आप देख रहे हैं ये है सुलभ शौचालय, लगभग ये आधी डूब चुकी है यहाँ पर। यहाँ पर पानी बहुत तेज आ गया भैया ने हार्वेस्टर यहाँ से उठाकर रोड पर रख दिया है। आगे बढ़ने के और भी चांस है। क्या लग रहा भैया, पानी और आ सकता है क्या? बहुत आ गया है। सुना है कि बांध के गेट भी खुल चुके हैं ना, तभी और पानी बढ़ रहा है यहाँ पर। तो कहीं और जाने की व्यवस्था है क्या यहाँ से? अब यहाँ से तो आ जा सका। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर आपका स्वागत है। काम अगर बढ़ता है तो फिर आप हमारे यहाँ पर आ जाइए सभी लोग, है ना, व्यवस्था की जाएगी सबकी। कल तक यही इसी रास्ते से हम कोचिंग आया करते थे, लेकिन आज ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। यहाँ पर पानी पानी दिख रहा है सब जगह। ये सब लोग, भैया लोग मजा ले रहे हैं ट्यूब पर। तो कल यहाँ पर पानी नहीं था, हम यहाँ पर कोचिंग के लिए आए थे ना? नहीं था, कल तक पानी नहीं था। यही रास्ता है पूरा, वहाँ तक देखिए पीछे तक पूरा ब्लॉक हो गया। लगाया था फोन, सर आज कोचिंग नहीं लगाना है, क्योंकि जहाँ कोचिंग लगती है वहाँ पर क्या है, पानी भर गया है। सुबह जब लोग उठे हैं ना तब देखो पानी। चार बजे तो मजा ले रहा हो पानी? हाँ, यहाँ पर मजा आ रहा है बहुत। लेकिन बाढ़ आ जाएगी तो फिर डर भी रहेगा बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ, मेरे पास यहाँ पर नीम लगी है, वहाँ पर चढ़ जाऊंगा। अच्छा, 2005 मिनट से चढ़ गए थे ना? हाँ। तो इनको भाई भरोसा है अपनी नीम का, कि नीम के सहारे अपने आप को बचा लेंगे। अभी तो सब खुश नजर आ रहे हैं ना। चलिए कोचिंग सेंटर चलते हैं। ये हमारा कोचिंग सेंटर है, आचार्य जी के घर हम कोचिंग लगाते हैं। यहाँ 2 कमरे, एक कमरे में केमिस्ट्री की, एक कमरे में मैथ की क्लास लगती है। मैं केमिस्ट्री 11th 12th पढ़ाता हूँ और हमारे सहयोगी अर्जुन सर मैथ की पढ़ाते हैं। चलिए इसके बाद हम आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। जीना चढ़ने के बाद हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ सामने ये जो दिख रहा है ये बेबस नदी का सीन है। जब भी पानी तेज बढ़ता है या बाढ़ की स्थिति होती है तो टापू की तरह चारों तरफ से पानी घिर जाता है और टापू बन जाता है ये पूरा जेरट ग्राउंड। अभी हम आपको 2 मंजिला ऊंची इमारत से ये सारा सीन दिखा रहे हैं। ये बेबस नदी है, आगे चल के यही नदी सुनार नदी में मिल जाती है और काफ़ी बड़ा संगम देखने को मिलता है वहाँ पर। चलिए दोस्तों, अब हम आपको मिलाते हैं आचार्य जी से। ये आचार्य जी श्री टेक्सन जी, इन्हीं के यहाँ पर हम विगत 3 वर्षों से कोचिंग लगा रहे हैं।
ये है बेबस नदी जो चारों तरफ से काफी उफान पर लग रही है। सुबह जब हम उठे थे शंकर जी कड़े थे। कहाँ पर विराजमान है शंकर जी? पीपल के, पीपल के यहाँ पर। पीपल के नीचे चौतरा भी डूब गया। तो भाई साहब कह रहे हैं यहाँ जो सामने आप पीपल देख पा रहे हैं यहाँ शिव जी विराजमान है। तो सुबह तो यहाँ पर शिव जी दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही समय बीतता जा रहा है यहाँ पर नदी का पानी बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर शिव जी तो डूब ही गए, साथ में गांव को भी चारों तरफ से कवर कर लिया है पानी ने। प्रशासन ने सभी को सलाह दी है, पगरा बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं, इसलिए सबको सलाह दी है कि अपने जो भी जरूरत का सामान है उसको लेकर रोड के नज़दीक पहुंच जाएं, ताकि इससे पहले 2005 में इस प्रकार की बाढ़ आई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं, इसके बाद हम आपको पुल पे ऐसे दिखाते हैं पानी का जलस्तर कहां तक पहुंच चुका है और पुल पे आने में कितनी अभी देरी है। चलो हम पहुंचने वाले हैं पुल के पास, आ गए हैं। ये है प्रमुख नदी बेबस नदी, हम अभी पुल पर खड़े हुए हैं। यहाँ देखिए पुल के पास से पानी आ गया है, अर्थात खतरे की घंटी चालू, बाढ़ की आशंका। कभी भी पानी गांव के अंदरूनी इलाकों में भी अंदर जा सकता है। ये इस तरफ करेंगे, इस तरफ से उस तरफ जा रहा कोई इतनी तेज नदी में। तो कहाँ मजा आ रहा पानी में? चलिए आज हम ग्राम जेरठ में हैं और बेबस नदी के पुल पर खड़े हुए हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं। तो यहाँ जो पानी तेज आ गया है चारों तरफ से, लगभग पानी ने पूरे गांव को ब्लॉक कर दिया है ना, है कि यहाँ पर जो बांध है उसके 6 गेट खोल दिए गए हैं। जी जैसे बढ़ता है और पानी चारों तरफ से यदि गांव को घेरता है तो उस कंडीशन पर आप लोग कहाँ जाने के विचार बना रहे हो? यहीं पे रहेंगे, पानी तेज आएगा फिर तो कहीं जाना पड़ेगा, कहाँ पे भाग जाएंगे, रास्ता ही नहीं है, घर छोड़ देता। आज लगातार 3 दिन होने वाले हैं, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ ही समय पहले पानी बहुत नीचे था, अब स्थिति आ गई है पुल को लगभग छूने लगा है पानी। ऐसे जलस्तर बढ़ता गया तो गांव को चारों तरफ से पानी कवर कर लेगा और बाढ़ की भयानक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन को यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, यहां जो जनता आजू बाजू हो रही, हो सकता है जलस्तर अचानक से बढ़ जाए, तो इस प्रकार से पुलों पर नाकेबंदी करना चाहिए ताकि बाढ़ की इस प्रकार की समस्या को जल्दी से जल्दी ठीक कर लिया जाए। यहाँ देखो क्या आ रहा है, बहुत बड़ा पेड़ आ रहा सारे दिन। अरे कोई टर रखो जरा मैं डाल दे भी पाट डालने के लगे क्या। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने पहली बार 8 से 10 मिनट का इतना बड़ा व्लॉग पहली बार बनाया, इससे पहले मैं हमेशा शॉर्ट वीडियो डालता था बागेश्वर धाम की। मैंने कोशिश की है अपने यहाँ की जो सामान्य सी जनजीवन है उसको मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना ताकि आपको हमारे इस प्रकार की सभी बड़े वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।